उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा में पूर्व सांसद चौधरी कुंवर सिंह तंवर द्वारा हर साल की भांति 151 बेटियों के सामूहिक विवाह कार्यक्रमों में बेटियों को आशीर्वाद देने पहुंचे सूबे के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह। आपको बता दें, जनपद अमरोहा के पूर्व सांसद चौधरी कुंवर सिंह तंवर के आवास कार्यालय पर जनकपुरी पर 151 जोड़ों के विवाह का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने सामूहिक विवाह में पहुंचकर 151 बेटियों को आशीर्वाद दिया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह व अन्य भाजपा मंत्री भाजपा विधायक मौजूद रहे। आपको बता दें कि पूर्व सांसद कुंवर सिंह तंवर हर साल 151 बेटियों की शादी कराते चले आ रहे हैं, जिसमें ऐसे गरीब लोग जो बेटियों की शादी करने के लिए लाचार हैं। पूर्व सांसद चौधरी कुंवर सिंह तंवर गरीब माँ बाप की बेटियों के हाथ पीले करते हैं। उन्होंने कहा कि आगे भी इसी तरह के सामूहिक विवाह के अंतर्गत बेटियों की शादी करते रहेंगे। आज पूरे विधि विधान के साथ 151 जोड़ों का विवाह संपन्न किया गया। इस अवसर पर सामूहिक विवाह के अंतर्गत पूर्व सांसद चौधरी कुंवर सिंह तंवर ने अपनी सभी बेटियों को आशीर्वाद देकर मंगल भविष्य की कामनाएं की। इस मौके पर आयोजन में आए हुए लोगों को खान पान की व्यवस्था भी की गई थी तथा लोगों के लिए मनोरंजन के लिए कलाकारों द्वारा रंग रंगानी का कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया। और ये परंपराएं जो लोगों ने, हमारे देवतागण ऋषि मुनियों ने जो परंपराएं छोड़कर गए हैं, आज वो परंपराएं भी हमारी कौर जी उस परंपरा का पालन कर रहे हैं और ऐसे हजारों बेटियों को शादी वो करवा चुके हैं। वास्तव में जो पुण्य मिलता है इससे, और ये जुड़े हैं, हर जाति हर धर्म के लोग आते हैं, हर लोग आते हैं, ये सबसे बड़ी बात है कि एक जाति के नहीं करते, सभी जाति समूहों को लेकर और सभी धर्मों के लोगों का सामूहिक विवाह करके वो जो पुण्य अर्जित कर रहे हैं, मैं भी आज मौके पर इस पुण्य को अर्जित किया हूँ। मैं ईश्वर से ही प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु इनको और शक्ति दे और ताकत दे। इसी तरह आज जिले में, क्षेत्र में, पूरे राज्य में गरीबों की कन्याओं की शादी करते रहें। और मित्रों, जिस पार्टी से जुड़े हैं, आदरणीय योगी जी ने खुलकर, दिल से खोलकर बोले कि नहीं नहीं कौर जी आप करिए, सरकार की पूरी भागीदारी होगी और सरकार की भी जो योजनाएं हैं वह लाभ सभी बेटियों को दिलवाइए। आज आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में पूरे राज्य के अंदर सामूहिक मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, वास्तव में ये बहुत बड़ी योजना है। और महत्वपूर्ण यह है मित्रों कि जिस शादी में, बड़े बड़े लोगों के शादी में लोग नहीं जा पाते हैं, उस शादी में सांसद, विधायक, मंत्री, डीएम, अलमा अधिकारी, सभी पत्रकार व सभी लोग, बड़े बड़े जो बुद्धिजीवी हैं क्षेत्र के और राज्य के, वह लोग इन शादियों में आते हैं और आशीर्वाद देते हैं और इस विवाह में, कन्यादान में शामिल होते हैं और उसका पुण्य भी अर्जित करते हैं। अच्छा सर, आज कितने जोड़ों की शादी? लगभग 151 शादियाँ हैं और लोग अभी भी आ रहे हैं उसमें। अभी तक मैं देखा जा ही रहे हैं, रास्ते में हम लोग बाहर निकल रहे थे तभी भी जा रहे थे। इन्हें जो तैयारी किया है भव्यता, मैं पुनः गंगा मैया और सभी देवी देवताओं से मैं यही प्रार्थना करूंगा कि इस परिवार पर हमेशा आशीर्वाद बनाए रहे और ये परिवार मजबूत रहे और इसी तरह समाज के सभी वर्गों की लोग चिंता करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए।